हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब श्रेया किचन में। तो आज बनना है श्रेया किचन में पोहा चिवड़ा नमकीन। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो कि ना हम घर पर बनाएं बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 चम्मच धनिया ले ली है और फिर आधा चम्मच हमें यहाँ सौंफ ले लेनी है, ये देखिए। और आधा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ले रहे हैं और आधा चम्मच हल्दी ले रहे हैं और आधा चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पर हमने मिर्च ले ली है और आधा चम्मच यहाँ पर हमने नमक ले लिया है और थोड़ी सी हमने हींग ले ली है 1/4 चम्मच और यहाँ पर कुछ दाने हमने काली मिर्च के ले लिए हैं। अब इसको हम ढक देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है और इस टाइप की हमें एक छलनी ले लेनी है और इसको इसमें हम डुबो देते हैं तेल में, ये देखिए। और इस तरह से हम हिलाते रहेंगे, मूँगफली हमारी अच्छी चटकने लगी है, ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है। अब ऐसे ही इनको हम चलाते रहेंगे, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये अच्छी भुन चुकी हैं। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी देर हम तेल से बाहर निकाल कर इनको रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाला तेल है वापस कढ़ाई में निकल जाए। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, ये देखिए। अब इसे एक पेपर पर हम निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब इसमें हमने उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने मूंगफली दाने लिए थे उसी कटोरी से यहाँ पर हमने 1/2 कटोरी चना दाल ले ली है। अब उसी प्रोसेस से हमें इसे भी भून लेना है, ये देखिए। इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे, ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है। इसको थोड़ी देर तक बाहर वैसे ही रखेंगे जैसे हमने पहले मूंगफली के दाने निकाले थे। अब इसको उसी पेपर पर हम निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें थोड़े से बादाम। बादाम को हम तेल में डालकर थोड़ा सा भून लेते हैं, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है बादाम को, वैसे इनका टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है, ये देखिए। अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, ये अच्छे भुन चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, उसी पेपर पे हमें निकाल लेना है। अगर आप इस तरीके से नमकीन अपने घर पर बनाएंगे तो आपको बेहद नमकीन पसंद आने वाली है। अब यहाँ पर हमने कुछ नारियल कट करके ले लिया है, जो हमारा पका हुआ नारियल होता है वो हमने कट करके ले लिया है। इस चिवड़ा की नमकीन में ये जो नारियल है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नारियल का काफ़ी कलर चेंज हो गया है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से, ये देखिए। मार्केट में जो हमारी नमकीन आती है उसमें बादाम, काजू और नारियल, मूंगफली के दाने, ये सब काफ़ी मात्रा में पड़े होते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से काजू, ये देखिए। काजुओं को हम भी थोड़ा सा भून लेते हैं, हमें लाइट कलर का ही रखना है, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें पोहा ले लेना है, ये देखिए। पोहा यहाँ पर हमने मीडियम मोटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा मोटा और ले सकते हैं। मार्केट में कई तरह के पोहे आते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा मोटा पोहा और ले सकते हैं। अगर पोहा थोड़ा मोटा है तो चलेगा, अगर थोड़ा पतला पोहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। होता क्या है, जो हमारा पतला वाला पोहा होता है तो जैसे हम कढ़ाई में डालते हैं बहुत तेज़ी से वो तेल को अब्जॉर्ब करने लगता है, जो हमारा पोहा होता है। इससे नमकीन में हमारे तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है और नमकीन हमारी ऑयली हो जाती है। और ये जो है हमारा पोहा जो है तो ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं खींच पाता है ज़्यादा, तो ये नमकीन हमारी ऑयली बिल्कुल भी नहीं होती है, ये देखिए। और जैसे ही हम पोहे को तेल में डालते हैं गैस की फ्लेम हमें हाई कर देनी है, और अगर हम स्लो फ्लेम पर पोहे को भूनते हैं तेल में तो होता क्या है, वो चाहे मोटा वाला पोहा हो और वो चाहे पतला वाला पोहा हो, ये दोनों तेल को अब्जॉर्ब करने लगते हैं धीरे धीरे, अगर गैस की फ्लेम स्लो है तो। वैसे जो मीडियम मोटा वाला पोहा हमारा होता है वो गैस की फ्लेम अगर हाई करके हम तेल में डालते हैं तो तेल को अब्जॉर्ब नहीं करता है, अगर गैस की फ्लेम स्लो नहीं है तो। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें 1 चम्मच अभी हमने तेल डाल दिया है, जो हमारा तेल अभी गर्म था, पोहा हमने भुना है
उसी का तेल हमने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। और जो हमने अभी मसाले सबसे पहले तैयार किए थे, ग्राइंड किए थे, वो इसमें मसाले हमने डाल दिए, और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। अब इन सबको अच्छे से हम भून लेते हैं, क्योंकि इसमें हल्दी का कच्चापन होता है और मसालों का कच्चापन होता है। इन मसालों को अब जो है भुना हुआ भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन जो मार्केट में मिलती है ये नमकीन, तो ऐसे ही वो लोग बनाते हैं। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाएगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, इनको स्लो फ्लेम पर ही मसालों को भूनना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक प्लेट में पोहे को निकाल लिया है। अब मसाले हमारे अच्छे भून चुके हैं, हम ज़्यादा मसालों को नहीं भूनेंगे, वैसे ही काले पड़ जाएंगे। ये देखिए, अब इसमें हम मिला देते हैं। अब इनको हम हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। मसाला हमारा थोड़ा गर्म लग रहा था, इसीलिए हमने थोड़ा चम्मच से मिला है। अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसालों को खूब अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, जो हमने अभी भून के रखे थे वो इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली के दाने और नारियल। अब इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने अभी भुना हुआ जीरा तो डाला ही नहीं, उन मसालों में भी हमने जीरा नहीं डाला था, तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं। जीरा का फ्लेवर हमारी नमकीन में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो जीरा तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब नमकीन को हम 2 जगह डिवाइड कर देते हैं। एक नमकीन हमें थोड़ा सा तीखी ही खानी है, और एक नमकीन हमें थोड़ा सा खट्टी और मीठी चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं अमचूर पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हम डाल देते हैं चीनी, 1/2 स्पून यहाँ पर हमें चीनी ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये बिल्कुल हमारी हो गई मार्केट स्टाइल पोहा चिवड़ा नमकीन। तो आपने देखा कितनी आसानी से 2 टाइप की नमकीन आप घर पर बना सकते हैं। पोहा चिवड़ा नमकीन बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे जब मन चाहे तब बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये बिल्कुल भी ऑयली नमकीन नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।